हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। आपके सामने एक सिमेट्रिक कर्व बना हुआ है। स्टूडेंट, मैंने मूवमेंट, कोर्टोसिस और क्यूनेट मूवमेंट और कोर्टोसिस वाले टॉपिक में आपको क्लियर किया था कि जो स्टेटिस्टिक्स का टॉपिक था, जिसमें कि मैंने बताया था सिमेट्रिक कर्व कैसा होता है और असिमेट्रिक कर्व कैसा होता है। मैं पहले थोड़ा सा और इसे रिकैप कर देता हूं कि क्या होता है सिमेट्रिक कर्व और स्टूडेंट्स क्या होता है असिमेट्रिक कर्व। तो देखो, जो सिमेट्रिक कर्व होता है वो बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरे पास एक ग्राफ है, इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन मैंने बना दिया। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए जितना कर्व यहां से बनेगा, ये जितना हिस्सा ये होगा, देखो आपके सामने है ये वाला एरिया, सेम इतना ही हिस्सा इसका इमेज इधर बन जाएगा। इसे कहते हैं सिमेट्रिक। अगर ये बिल्कुल डिक्टो सेम है, जितना ये है उतना ही ये होगा, तो इसे कहेंगे सिमेट्रिक। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कहा कि यहां पर आपके सामने कर्व कुछ ऐसा बना है और यहां पर कर्व कुछ ऐसा बना है, अब देखो ये वाला कर्व आपके सामने अलग है, ये अलग तरीके से जा रहा है, और जितना ये एरिया कवर कर रहा है उतना ये एरिया कवर नहीं कर रहा है। इसे कहते हैं असिमेट्रिक। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि सर्कल जो है, अगर सर्कल को बीच में से दो हिस्से कर दिए जाए, तो ये है आपके पास सेमी सर्कल और ये है आपके पास सेमी सर्कल, तो ये इसकी सिमेट्रिक फॉर्म होती है। जब भी सिमेट्रिक लिखा हुआ आए तो इसका ये मतलब होता है कि जितनी इमेज ये होगी उतनी इमेज ये बनेगी, यानी कि ये लाइन इस फिगर को सिमेट्रिक बना रही है। सेम यही अगर मैंने सर्कल के अंदर लाइन को यहां से ड्रॉ कर दिया, तो ये और ये दोनों के दोनों, यानी ये लाइन ऐसी लाइन नहीं है जो इस सर्कल को सिमेट्रिक कर रही है। सिमेट्रिक मतलब बराबर बराबर हिस्से कर रही है। तो याद रखना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नॉर्मल कर्व बनता है और नॉर्मल कर्व जो होता है वो सिमेट्रिक कर्व होता है। यानी कि अगर ये मैं कहूं सेंट्रल लाइन है आपके सामने, तो ये जितना हिस्सा एरिया इतना जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में होगा। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई सिमेट्रिक क्या होता है और असिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते। जो सिमेट्रिक कर्व होता है, याद रखिएगा, उसमें ये बीच वाली लाइन जो दिख रही है आपको, बीच वाली लाइन ये है आपके सामने यहां पर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। यानी कि सिमेट्रिक कर्व में जो बिल्कुल बीच का पॉइंट होगा, जिसे हम हाईएस्ट पॉइंट भी कहेंगे, जिसे हम मिडिल ऑफ द लाइन भी कहेंगे। देखो तीनों चीज में क्या अंतर है, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मीन की बात करते हैं। मीन क्या होता है? मीन होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब कि नीचे की तरफ को जो ग्रेविटेशनल जो पॉइंट बना रहा है वो पॉइंट मीन कहलाता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए आपने एक तार का टुकड़ा लिया और ऐसे करके उसे मोड़ लिया, सिमेट्रिक फॉर्म में मोड़ा है, तो उस तार के टुकड़े में जो मोड़ा हुआ है, आप अपनी उंगली को रखेंगे, पहले इधर रखेंगे यानी कि इधर, तो वो टिल्ड कर जाएगा, वो झुक जाएगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ाएंगे यानी कि इधर रखेंगे उंगली, तो भी वो झुक जाएगा। लेकिन अगर आप बीच में उंगली रखेंगे, बिल्कुल बीच में, यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं इसे, वही होता है मीन। याद रखना, मीन क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन नॉर्मल कर्व और एसिमेट्रिक कर्व में भी होता है। अगर मान लो इसकी बात कर लेते हैं, तो यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये नहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ये आपका मीन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड मीन। मीन यहां पर मीन यही रहेगा, लेकिन यहां मीन थोड़ा सा इधर हो जाएगा, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आगे मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। यानी कि अगर ये लाइन है, तो इस लाइन को दो हिस्सों में बांट दो, जो सबसे बीच वाले पॉइंट होगा वहीं पर चला जाएगा, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही मीडियन हो जाता है, अपने आप हो जाता है। यहां नहीं होता ऐसा। यहां पर मिड वैल्यू क्या है? अगर मान लीजिए ये वाली लाइन आपको दे रखी है, इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मीडियन। मीडियन अलग है, मीन अलग है, लेकिन सिमेट्रिक कर्व में मीडियन भी यही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही है, और इसका मिड पॉइंट भी यही मैच कर रहा है, यानी कि मीडियन भी वही है और मीन भी वही है। अब बात करते हैं मोड की। मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यानी कि यहां से आप देखेंगे हाइट,
ये सबसे बड़ी हाइट, एक छोटी हाइट, ये उससे बड़ी हाइट, फिर उससे बड़ी हाइट, फिर उससे बड़ी हाइट, सबसे बड़ी हाइट ये है लेंथ में, फिर कम होती चली जाएगी। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये देखो आप, ये लाइन जो है इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये सबसे बड़ी, उसके बाद फिर छोटी होती चली जाएगी। देखो सबसे बड़ी लाइन को हम कहते हैं मोड, और सिमेट्रिक कर्व में मोड, मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होता है, यानी कि वही लाइन होती है सबसे बड़ी। यहां पर नहीं, यहां पर सबसे बड़ी लाइन ये वाली अलग होगी, है ना, यहां पर अलग हो सकती है, या फिर ये भी हो सकती है, सेंट्रल लाइन जो है ये मीडियन थोड़ा सा इधर टिल्ट कर जाएगा, और ये मोड, ये मीडियन होगा और ये मोड। ये मैं करा चुका हूं स्क्यूनेस मोमेंट और कोर्टोसिस के अंदर, मैं ये करा चुका हूं। यहां पर मीन मीडियन मोड अलग अलग है, और यहां पर मीन मीडियन मोड सेम होता है। तो फिलहाल सिमेट्रिक कर्व में ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाया जाए, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है सिमेट्रिक कर्व, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, हमने बीच में लिखा है मीन। देखो मीन से एक स्पेसिफिक दूरी जिसे हम एक्स की फॉर्म में कहेंगे, देखो एक्स स्केल पर जब नापेंगे तो ये अगर जीरो है मेरे सामने, क्या है ये जीरो, तो इससे एक दूरी लिया आपने और वो लिया बल, फिर इससे दूसरी दूरी लिया आपने, इक्वल डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की दूरी बल है, ये टू है, ये थ्री है, यहां पर थ्री। ऐसे यहां पर लेफ्ट की तरफ आएगा तो अगर डायरेक्शन चेंज होता तो नेगेटिव साइन से सिंबलाइज करते हैं, तो ये जीरो है, ये माइनस वन है, ये माइनस टू है, ये माइनस थ्री है, ये पॉइंट्स बन रखती है, ये एक्स स्केल पर, यानी एक्स की वैल्यू ये है। अब जो एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट्स, इसको हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। क्या बनाना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमने इसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो था मेरे पास, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स के स्केल में होता है, हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है जो कि जेड के स्केल पे होगा, यानी कि एक्स के स्केल को कन्वर्ट करके जेड के स्केल में बनाएंगे, और इसका एक स्पेसिफिक रूल होता है, बहुत सिंपल है, ठीक। रूल क्या होता है, रूल भी लिख देता हूं मैं, जेड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है आपके सामने मीन एक्स माइनस का मीन अपॉन में एस डी, बहुत सिंपल है, एक्स माइनस का मीन अपॉन एक्स डी। एक्स की वैल्यू आपके सामने होगी जीरो होगा, माइनस वन होगा, माइनस टू होगा, माइनस थ्री होगा, यहां पर वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है, यहीं तक हो सकती है रेंज, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूं एरिया की, तो मैक्सिमम एरिया होता है 0.5, और इधर लेफ्ट में आएंगे तो माइनस 0.5, है ना, प्लस और माइनस का फर्क होगा, मैक्सिमम ये क्या है 0.5, ये जेड की वैल्यू, मैक्सिमम जेड, मैक्सिमम जेड हो सकता है आपके सामने क्या, या तो हो सकता है आपके पास माइनस का 0.5, इधर जीरो से माइनस का 0.5, या जीरो से प्लस का। अब बच्चे कहेंगे सर यहां तो तीन लिखा है, 0.5 लिखा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, मैंने कहा कि ये जो वैल्यू है आपके सामने 0.5 मतलब 50%, मतलब क्या, इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 50%, और इसका मतलब क्या, इसका मतलब भी 50%, ये नेगेटिव में है वो पॉजिटिव। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक का एरिया जो है वो 100% होता है, 100%, और लेफ्ट वाला पार्ट जो है, ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट है 50% होगा, राइट वाला पार्ट भी 50%। एरिया को कैटेगराइज किया, बहुत सिंपल है, आप देखोगे नीचे ये आपका टोटल 50-50-100 होता है, तो ये देखो टोटल यहां से यहां तक अप्रोक्सीमेटली 100% बन रहा है, ये एरिया की बात कर रहा हूं, यानी कि ये जो वैल्यू आई है जेड के स्केल पर, ये जेड के। तो आपने समझा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक कर्व पर आप शेप दिखाते हो किस तरीके से कितना एरिया कवर कर रहा है, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट क्यों जरूरत है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है तो हमने पढ़ा था कि दो या दो से ज्यादा वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू टू होगा, या फिर थ्री होगा, या फिर फोर होगा। चार से ज्यादा जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फिर उसके लिए हमारे पास आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर मान लीजिए 20 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फिर उसके लिए नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, तो उसके लिए हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है। यहां पर जरूरत पड़ेगी जब किसी रेंज के बीच में फाइंड करने के लिए, यानी कि अगर आपसे कहता है फाइंड r इज इक्वल टू 1, तो बहुत आसान, 1 तो 1 2 होगा, r इज इक्वल टू 3 होगा, r इज इक्वल टू 4 होगा, r इज इक्वल टू 20 होगा, इतना तो सिंपल है। लेकिन अगर कहता है r लेस देन
आर जो है लेस देन इक्वल टू थ्री, या फिर आर की वैल्यू आपके सामने दे रखी है फाइव से लेकर और एट तक, आर की वैल्यू आर को यहां पर एक्स के नाम से रिप्रेजेंट करें, तो तब इस केस में हम एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। तो बात समझ में आती है, देखते ही समझ में भी आ जाएगा, क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। चलिए अभी फिलहाल कुछ बेसिक रूल है जो कि आपको लिखने चाहिए, मैं बेसिक रूल लिखवाऊंगा आपके लिए। तो पहले हम बेसिक रूल लिख लेते हैं, ये बेसिक चीजें थी जो आपको समझ में आ गई। बेसिक रूल बहुत सिंपल है, जैसे कि पहला रूल जो आपके सामने है, दिख रहा है क्या बोर्ड पे, नहीं दिख रहा, नीचे ले आते हैं। पहला रूल जो हमारे पास है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसे हम पी डी एफ भी बोलते हैं, पीडीएफ। एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख के दिखाइए। तो बहुत सिंपल सा होता है फंक्शन, p ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन में एस डी रूट ऑफ 2 पाई इंटू में e की पावर माइनस का हाफ और x माइनस का मीन अपॉन में एस डी का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये आपके पास फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला किसका है, यह है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला। ठीक है ना, बस फॉर्मूला लिखने के लिए आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, इस पर हम कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले, ये क्वेश्चन करने के लिए नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद करने के लिए है। स्टूडेंट्स यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको मैं लिख देता हूं, यहां पर ये म्यू का मतलब होता है मीन, यहां पर इस सिंबल न्यू का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत सिंपल है, इसे म्यू पढ़ा जाता है, ग्रीक लेटर है, इसे न्यू पढ़ा जाता है MU, MU, NU, NU, N। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जैसे कि इसकी वैल्यू डायरेक्टली बच्चे याद कर लेते हैं, मैंने भी याद कर रखी है, इसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ 2π इज इक्वल टू 2.5066। ठीक है ना, ये आप याद कर लीजिए, और इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, e की वैल्यू ये भी मैंने आपको बताया था 2.7183। तो ये वैल्यूज है जो आपको याद करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं करते कोई बात नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखने के लिए आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा सिर्फ इस पर, ये आपको याद रखना है, दिस इज एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये आपको याद रखना, इसी पर ही हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इस पर नहीं करने वाले। उसके बाद आपको जो इंफॉर्मेशन याद रखनी है वो कॉन्स्टेंट याद रखनी है, कॉन्स्टेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्स्टेंट्स लिखवाए थे, मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्स्टेंट्स लिखवाए थे, मैंने यहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्स्टेंट्स लिखवाने, तीनों अलग अलग है, याद करने हैं। जैसे कि μ1 = 0, μ2 = में एस डी स्क्वायर, है ना, एस डी स्क्वायर न्यू स्क्वायर कह सकते हो, μ3 = 0 और μ4 = 3 SD की पावर 4। ये आपको चार कॉन्स्टेंट्स याद रखने हैं स्टूडेंट्स, इजी है याद रखने, लेकिन आपको रट्टा तो मारना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बीटा वन का फॉर्मूला क्या होता है, μ3 = μ2 की पावर 3। जरा सोचिए, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो μ3 की वैल्यू कितनी है, 0 = μ2 की वैल्यू कितनी है SD² का 3। तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 0 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो 0, तो बीटा वन कॉन्स्टेंट आ गया आपके पास 0। इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ स्क्यूनेस, याद रखना, मोमेंट ऑफ स्क्यूनेस जो है ये 0 है ना, रूट ऑफ बी होता है, ऐसे लिखते हैं गामा इज इक्वल टू √β1, तो ये आंसर आएगा √0, तो 0 है।
डायरेक्ट याद कर लीजिए। उसके बाद आता है बीटा टू, ये होता है म्यू फोर अपॉन में म्यू टू का स्क्वायर, म्यू फोर की वैल्यू है 3 HD4 है ना, न्यू फोर और यहाँ पर स्क्वायर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर हो जाएगी, तो बचेगा कितना भाई, ये तो बहुत सिंपल हो गया, 3 HD4 और यहाँ पर इसका पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई, इससे कैंसिल हो गया तो कितना बचा, बीटा टू इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर कोटोसिस जो होता है, कोटोसिस याद रखना, कोटोसिस जिसे हम कहते हैं गामा टू, ये होता है बीटा टू माइनस का 3। तो अगर हम देखेंगे तो गामा टू इज इक्वल टू हो जाएगा, बीटा टू की वैल्यू तो 3 ही आनी है हमेशा, तो गामा टू की वैल्यू भी, कोटोसिस भी 0 ही आना है, सिमेट्रिक कंडीशन है, ऑफ कोर्स 0 आएगा है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी 0 ही आ रहा है, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव होता तो इसे पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं, और नेगेटिव होता तो नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, जो पॉजिटिव की तरफ को टेल बनाता है ऐसे करके, और नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है, नेगेटिव की तरफ ऐसे पूछ खींची जाती है उसकी, उधर नेगेटिव होता है पॉजिटिव, ये तो ना तो पॉजिटिवली स्क्यूड है ना नेगेटिव, ना तो इसका टिल्ड उस तरफ है ना इस तरफ झुका हुआ, ये तो बीच में, तो ऑब्वियस बात है इसका आंसर तो 0 ही आना है। चलो फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन आपको इतनी ही पता होनी चाहिए थी, डिटेल तो आप धीरे धीरे करते चले जाएंगे, आप इसे पहले क्लिक कर लीजिए, कॉपी जरूर करिएगा, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वन बाय वन, अब मैं सिखाऊंगा कि ये एरिया, ये जेड जो है कैसे बनता है, एरिया और टेबल, ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल देखते कैसे है, आज की क्लास में इतना मैं कराऊंगा, तो इसे पहले क्लिक कर लीजिए। हेलो गाइस, अगर वीडियो आपने यहां तक देख लिया है इसका मतलब आप सिंसियरली एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो मैंने सिर्फ ये वीडियोस नहीं बनाई हैं, मैंने कंप्लीट बुक राइटिंग की है, आपके लिए बुक तैयार की है, आपको कहीं बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ऐसा सैंपल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं उसे भी अपनी बुक में कवर कर रहा हूं। मैंने एक्सरसाइज यहां पर मेंशन की है, आप हर वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने एक्सरसाइज मेंशन की है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके लिए तैयार किया है, और भी स्टूडेंट्स के लिए मैं तैयार करता ही रहूंगा। अगर आपको सारी वीडियोस को देखना है तो आपको इस चैनल की मेंबरशिप जो कि 89 रुपीज पर मंथ में है लेनी होगी। आप अगर मेंबरशिप लेते हैं तो आपको जितनी भी वीडियो जो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं वो भी ओपन हो जाएगी, और आप अपने पेपर की बेटर तैयारी कर सकते हैं। ये मैंने सबसे लो कॉस्ट अमाउंट आपके लिए रखी है, तो ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे चैनल पर जाइए, उस चैनल पर आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, आपको क्लिक करना है, वहां पर 89 रुपीज की पेमेंट करनी है, और उसके बाद यहाँ पर चैनल में जितनी भी वीडियोस हैं जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए ओपन है वो सारी की सारी आपके लिए भी ओपन हो जाएगी, और कंप्लीट कोर्स आप बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे और सीख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने ये मैंने 5 एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे कि आप एरिया निकालना सीखेंगे और बहुत प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। स्टूडेंट्स, बस एक बार मेरे को फॉलो करते चले जाना, देखते चले जाना जैसे मैं कर रहा हूं, पहले देखिएगा, आप नजर मत हटाइएगा प्लीज, और उसके बाद जब आप देख लेंगे तो आपको टेबल देखना भी आ जाएगा, एरिया कर्व करना भी आ जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस किसी भी टाइप के डील कर सकते हैं। देखो यहां पर पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फॉर जेड इज इक्वल टू एक्स 1.54। देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ जेड की वैल्यू दे रखी है, मैंने कहा था आपको अगर x की वैल्यू दे रखी है तो पहले z की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला जरूर मैं लिखूंगा यहां पर मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूं, z is equal to होता है x माइनस का मीन अपॉन में hd, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कन्वर्ट करने का है फॉर्मूला, यानी कि z की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी होगी, तो अगर x की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट तो मीन और hd भी क्वेश्चन में दिया होगा, चलो यार मीन और एसडी के रिलेटेड कोई कंडीशन दे रखी हो, फिलहाल तो जेड दे रखा है, डायरेक्ट आंसर निकालना है, पहले का सॉल्यूशन यहां लिख देता हूं मैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, आपको जेड की वैल्यू दे रखी है 1.54। अब आपको वो सिमेट्रिक कर्व याद रखना है कैसा बना, तो पहले तो सिमेट्रिक कर्व बना लेते हैं इसका, यहां बना लेते हैं, ये आपके सामने एक सिमेट्रिक कर्व है, बहुत सिंपल है सिमेट्रिक कर्व,
आप बीच में एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, ये आपका मीन हो गया, ये हो गया मीन, है ना। और यहां पर x की वैल्यू 0 है, याद रखना ये x की वैल्यू आपके सामने 1 है, यहां पर x की वैल्यू आपके सामने 2 है, और यहां पर x की वैल्यू आपके सामने 3, 1 2 3, ठीक। आप x को कन्वर्ट करते हैं z में, किसमें कन्वर्ट करते हैं z में, यहां पर है x की वैल्यू माइनस का 1, यहां पर x की वैल्यू है माइनस का 2, और यहां पर x की वैल्यू है माइनस का 3, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो आपको 1.54 दे रखा है, तो यहां पर z की वैल्यू है, मैंने बताया था ये नॉर्मल है, वो स्टैंडर्ड है, एक ही चीज है, x ही z बन जाएगा, याद रखना। आप चाहे तो इसे x की वैल्यू ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते हो इसे 1 2 3, यह 0 है, -1 -2 -3, ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करेगा। अब देखा है 1.54, तो 1.54 1 और 2 के बीच में कहीं आता है यहां, तो आप यहां पर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का है, यहां पर आप ऐसे लाइन खींच देंगे, दिस इज 1.54, याद रखना ये 1.54 है, जेड की वैल्यू 1.54 आ गई, ये वाला पॉइंट था, देखो एक के और दो के बीच में आ रहा है, अंदाजे से खींच रहा है। अब इसके बीच में एरिया कौन सा कर्व हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका एरिया कर्व हो रहा है ये वाला, याद रखना जो भी एरिया होगा, ये जो भी एरिया होगा, एरिया अंडर द जो भी बोलेगा, ये यहां से 0 से स्टार्ट होगा। इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि जेड जो है वो 0 से लेकर और 1.54 तक जाएगा, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। तो इसका मतलब क्या, 0 यानी कि यहां से लेकर इधर से बढ़ेगा और इधर से कम होगा, यानी ये सारा एरिया, तो ये बीच का एरिया जो है आप ऐसे कवर कर देंगे, शेड कर देंगे, बस शेड करने से काम हो जाएगा आपका। तो ये मैंने निकाला एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जेड इज इक्वल टू 1.54, इसका मतलब 0 या 0 से बड़ा और 1.54 से छोटा, ये एरिया कवर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं होती है, अभी यहां पर आपको ये बताना पड़ेगा ये एरिया है क्या, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ये एरिया फाइंड करना है आपको, ये वाला एरिया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए कुछ भी नया नहीं करना है, इसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो कि मैं इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगा, उसको एक इमेज फॉर्म में मेंशन कर दूंगा फोटो क्लिक करके, लेकिन वो बुक्स में भी लिखा होगा, आपकी किताब के सबसे लास्ट में बहुत सारे टेबल्स होगी, तो उसमें एक टेबल ये होगी, मैं आपको दिखाता हूँ वो टेबल क्या है, क्योंकि मुझे ये वैल्यू तो देखनी पड़ेगी ना, ये तो टेबल से देखनी पड़ेगी। तो वो टेबल की वैल्यू है ये, देखिए ये बुक है हमारे पास, इस बुक के अंदर ये आपके पास लिखा हुआ है, देखो मैं आपके सामने यहां लिखा दिखा देता हूं, ये लिखा है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, दिख रहा है आपको एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, बहुत अच्छे। अब आपको ये लिखा हुआ है टेबल ऑफ एरिया, ये टेबल दे रखी है, टेबल में जेड की वैल्यू देखो, यहां पर गौर से देखो कि जेड की वैल्यू है ये 0. दिख रहा है ये 0.0, 0.1, 0.2 से लेकर ये सारी वैल्यू 3.9 तक दे रखी है, ठीक है। उसके बाद यहां पर वैल्यू दे रखी है, ये नेक्स्ट डेसिमल होता है, कैसे देखते हैं अभी बताता हूं। जैसे कि मेरे को वैल्यू देखनी है 1.54 की, 1.54, तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट करूंगा, पॉइंट यहां हो जाएगा 1.5 और 4, देखो पहले 1.5 की वैल्यू देखते हैं, देखो 1.5 कहां मिलेगा, गौर से देखिएगा समझ में आएगा, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये देखिए 0.0, 0.1, 2, 3, 4, ऐसे 1.5 दिख रहा है आपको, 1.5 ही बोला था मैंने आपको, ठीक है 1.5, इसके आगे का डेसिमल ऊपर लिखा हुआ है, तो यानी कि 1.5 तो ये रहा, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, तो ये वाली लाइन में आ जाएंगे आप और इस लाइन में चले जाएंगे आप, तो आ जाएगा आपके पास 1.54 कितना 0.4382, देखो बहुत गौर से देखना है 1.50, 1, 2, 3, 4, ये वाला लाइन में 4 में आए हैं, तो 1.54 कितना 0.438, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.4382, ये आपके पास जेड की वैल्यू आ गई, ये है जेड की एक्चुअल वैल्यू, या फिर कह सकता हूं ये है वो प्रोबेबिलिटी, क्या है ये प्रोबेबिलिटी आता है हमारा आंसर, तो 0.4382, याद रखना, फिर से रिपीट करता हूं मैं, इसका मतलब क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी है, आप पी लिख सकते हो, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी।
ये एरिया जो कवर किया है ये आपको यहाँ पर टेबल में देखिए, ये प्रोबेबिलिटी है। अगर आप इसे परसेंट में निकालना चाहते हो तो 4382 पॉइंट में यहाँ था, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो परसेंट हो जाएगा, तो 43.82%। तो इसका आंसर आया 43.82%। तो मैंने बताया था यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू ये 50% होता है, कितना होता है 50%, और इसमें से कितना कवर कर रहा है 43.82%, यानी कि 0.4 पूरा होता है 0.5, है ना, 50% 0.5 होता है, तो उसमें से कितना एरिया कवर कर रहा है, ये एरिया निकल गया। इजी था, पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ज्यादा कुछ नहीं करना, दूसरे क्वेश्चन के पास चलेंगे। एक एक करके चीजें क्लियर होने वाली है आपको, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो आपकी क्लियर नहीं होगी, लेकिन आपको बस पेशेंस रखना है और देखना है। फाइंड द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 1.9, ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.9, पहले इसकी वैल्यू देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1.9 देखो यहां से देखेंगे आप, गौर से देखेंगे, यहां से आएंगे आप 1.9 आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है, 1.9 ठीक है, उसके बाद 1.96, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, देखो ये रहा 6, है ना, 0.1.9 और ये आ गया 6, कितना है 0.4750 पॉइंट के बाद ये प्रोबेबिलिटी आ गई है, इसे आप एरिया अंडर द दिस। अब यहां पर ये कह रहा है ये प्रोबेबिलिटी नहीं निकली है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं निकली, ये जो आंसर आया है प्रोबेबिलिटी नहीं, अब इसे आंसर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको समझेंगे। अभी तो ये आंसर आया एरिया आया है, ठीक है, इसकी वैल्यू आई है बेसिकली, अब कैसे निकलेगा इसको ही तो समझना है, यही तो मेन काम है, मेन पेज तो यही आता है। ये आपके पास आ गया सबसे पहले क्या, ये आ गया आपके पास एक सिमेट्रिक कर्व, बीच में लिखा जीरो, इधर लिखा मैंने 1, 2, 3, 1, 2, 3, इधर लिखा -1, -2, -3, थोड़ा सा दूर कर देते, ठीक। 1.96 कहाँ मिलेगा भाई, पॉजिटिव का है, याद रखना नेगेटिव भी हो सकता है, तो पॉजिटिव का 1 और 2 के बीच में यहां कहीं मिलेगा 1.96, ऐसे करके। तो ये एरिया जो 0 से लेकर 1.96, याद रखना यहां पर जेड की वैल्यू 1.96 है, ये मैंने कवर कर दिया। अब आप कहोगे सर जो हमने आंसर निकाला है वो आंसर क्या था, वो आंसर था 0 से लेकर 1.96 के बीच का जो एरिया है वो आया है 0.4750, ठीक है, समझ में आता है, तो आंसर भी आना चाहिए था, लेकिन इसने कहा है फाइंड द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड, लेफ्ट का मतलब सिर्फ इतना रुकना नहीं, पूरा चलना है, लास्ट तक चलना, ये लेफ्ट होता है इसका, ये लेफ्ट है 1.96 का लेफ्ट, ये पूरा कवर हो रहा है, देखो साफ साफ बोला है टू द लेफ्ट, तो आप पूरा का पूरा यहां तक लेके जाएंगे। अब यहां तक लेके जाएंगे तो सर ये एरिया तो हमारा आ गया, ये एरिया तो बड़ा आसानी से आ गया, ये एरिया क्या होगा, तो बहुत सिंपल है ना सर, ये तो मैंने बताया आपको क्या होता है, ये एरिया क्या होता है बताइए, ये तो 0.5 होता है ना, 50% पूरा का पूरा 50%, ये एरिया होगा 0.5, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यहां पर ये दोनों पूछ रहा है क्योंकि कह रहा है टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड ये था आपके सामने, जेड ये वाली लाइन थी, इसके लेफ्ट में सारा, तो कितना आसान है, तो लिखेंगे एरिया जो आया आपका, एरिया इसे आप एरिया लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी मत लिखिए, एरिया, तो एरिया आपका क्या आया, एरिया आपके पास आ गया कितना, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड, है ना, एरिया ऑफ जेड ये था, ये आ गया आपके पास, पहले तो लिखेंगे ये वाली संख्या 0.4750 प्लस, फिर उसमें ये वाला एरिया ऐड कर देंगे और ये एरिया कितना है 0.5000 लिख सकते हो, जोड़ना आपको आना चाहिए बेसिकली, आपको ये जोड़ना कैसे, पहले इसे लिखना है 0.4750, वैसे तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, और इसे लिखेंगे 0.5000, जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 1 आएगा, 0, फाइनली 0.9750 इज द फाइनल आंसर, दिस इज द एरिया और यही प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, मेरे हिसाब से बात क्लियर हो, एक पहला ही क्वेश्चन कराया मैंने, दूसरा क्वेश्चन उसमें ये जो, अब तीसरा क्वेश्चन और डिफरेंट है ना, पहले इसे कैप्चर कर लो, यहीं पर लिखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन भी,
मैं शेप की बात करूं तो कैसे कैसे शेप दिख रही है मुझे, पहले वाले क्वेश्चन की मुझे शेप दिख रही है ये, दूसरे वाले क्वेश्चन की मुझे शेप दिख रही है, दोनों की शेप अलग है, पहले की शेप अलग है, दूसरे की शेप अलग है, तो क्वेश्चन अलग है, तीसरे वाले की शेप भी बनाते हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस, अब इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, अच्छे से देखेंगे समझ में आएगा। सबसे पहले आपको जेड की वैल्यू दे रखी है 0.60 और जेड की वैल्यू दे रखी है 1.80, हम दोनों की वैल्यू ढूंढ लेते हैं पहले, क्या इसका एरिया आएगा, इसका एरिया क्या आएगा और इसका एरिया क्या आएगा, है ना, तो आप दोनों के एरिया देख लेते हैं, तो उसके लिए टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो ये रही हमारे पास टेबल, गौर से देख लीजिए 0.6 की वैल्यू 0 है, यहां से चलेंगे 0.6 आपको दिख रहा है साफ साफ, 0.6 की वैल्यू किसमें बतानी है आपको, 0 देखो ऊपर दिख रहा है, तो 0.6 की वैल्यू 0 में, कितनी वैल्यू है 0.2257, 0.2257, अब 1.8 की वैल्यू 0 में देखनी है, तो आप फिर से देखेंगे यहां से आ जाते हैं 1.8 मिलेगा, ये रहा 1.8 दिख रहा है, इसकी वैल्यू 0 में देखनी है तो कितनी है 0.4641, तो यहां पर आ जाएगा 0.4641, कितना आसानी से समझ में आ गया एरिया। चलो अब इसको एक बार लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बना। सबसे पहले इसका हम कर्व बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक सिमेट्रिक कर्व, यहां लिखेंगे 0, यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे आगे जाके मिलेगा नहीं, तो मैं इसको ऐसे कवर कर लेता हूं, अब देखिए जरा स्टूडेंट, ये जो मैंने 0. ये है आपके सामने जेड इज इक्वल टू 0.6, तो इसका एरिया आया है, इसका एरिया ये आया है स्टूडेंट, ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू है ये वाला देखो, जीरो से लेकर इसके बीच की जो वैल्यू होती है, यानी कि ये आंसर आया इसका, इसका आंसर आया 0.2257, ये पूरा एरिया आ गया, क्लियर है ना यहां तक की बात। आगे जेड की वैल्यू 1.8, तो 1.8 1.5678 यहां पर होगा, यहां पर होगा, तो इसको मैं अंदाजे से कर रहा हूं, देखना बेटा आप स्केल रख के कर लेना। अब ये जो आया है आपके पास, ये जेड की वैल्यू है 1.80 बेटा, इसका एरिया ये है, ये एरिया क्या होता है फिर से रिपीट करूंगा, यहां से जीरो से लेकर यहां तक का पूरा एरिया, यानी कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है, यहां तक पूरा एरिया, ये पूरा कंबाइंड एरिया जो है, ये एरिया आया है 0.4641। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, फिर से रिपीट करूंगा ध्यान से समझना, कि आपका 0 से लेकर 0.6 तक का एरिया, तो ये पतली सी लाइन आ रही है छोटी सी, है ना, ये वाली लाइन 0 से लेकर ये पूरा एरिया, और अगर 1.8 का एरिया निकालना है, 0 से 1.8 का, तो 1.8 का एरिया तो पूरा कवर हो गया ना, पूरा हमें निकालना है बिटवीन, क्वेश्चन में बोला है बिटवीन जेड एंड 0.6 to 1.8, बिटवीन का मतलब बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों के बीच में तो ये वाला एरिया दिखा रहा है, कॉमन में शेड कर देता हूं, ये दोनों के पास कॉमन है बिटवीन, यानी इसके बीच, इसके पास भी मिल रहा है और इसके, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन दोनों के बीच में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आती है, इस वाली लाइन का एरिया, ये लाइन एक तेरी, बिटवीन का मतलब क्या होता है, जो जिससे वो दोनों लाइनें बनी, तो ये लाइन एक ये बनी है, ये लाइन एक ये बनी है, इनके बीच में एरिया क्या है, इतना ही, तो बेटा ये एरिया निकलेगा कैसे, सबसे पहली बात भाई पूरे का एरिया मुझे पता है ये रहा, इस छोटी सी पतली सी पट्टी का एरिया भी पता है मुझे ये रहा, तो ये जो शेडेड एरिया है तो निकल जाएगा ना, टोटल में से इतना हिस्सा घटा देंगे तो ये हिस्सा निकल जाएगा, कितना आसान है, अगर ये एक कार्डबोर्ड होता, मेरे को कैंची लेके इतना एरिया निकालना होता, तो मैं क्या करता, इस पूरे कार्डबोर्ड में से ये एरिया कट करके हटा देता, मतलब घटाना है, तो मैं कहूंगा एरिया
बिटवीन जेड इज इक्वल टू 0.60 एंड जेड इज इक्वल टू 1.80 इज क्या होगा। तो पहले तो बड़ा वाला एरिया ये था, बड़ा वाला एरिया 0.4641 माइनस का छोटा वाला एरिया ये था 0.225। अब इसको मैं डायरेक्ट भी हटा सकता हूं लेकिन मैं कैलकुलेटर का सहारा लूंगा। कैलकुलेटर में 0.4641 माइनस का 0.2257 तो आंसर आएगा आपके सामने 0.2384 और ये मेरा आंसर हो गया। ये एरिया आ गया बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इसकी प्रोबेबिलिटी। तो तीन तक के क्वेश्चन तो आपको समझ में आए डायरेक्टली एरिया निकालने के लिए, यानी कि आपको डायरेक्ट जेड की वैल्यू क्वेश्चन में देगा तो कैसे कर्व बना के आना है समझ में आए। अब चौथे क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर चौथा थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है चौथे क्वेश्चन में? अब की बार आपको जेड की वैल्यू नहीं दे रखी, इस बार मीन और एच डी दे रखा है। क्या चीज गिवन है? हमें गिवन है मीन बराबर 20, एच डी बराबर 10। ठीक है, आपको एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू भी दे रखी है। एक्स वन की वैल्यू दे रखी है 15 और एक्स टू की वैल्यू दे रखी है 4। आपको जेड वन निकालना है, जेड वन कह देते हैं ना, इसका नाम बंद रख देते हैं। तो जेड वन बराबर होता है एक्स वन माइनस मीन अपॉन एच डी। देखो वो बोले तो एक्स वन की वैल्यू 15 है, माइनस मीन की वैल्यू 20 और एच डी की वैल्यू 10। तो इसे घटाएंगे तो आएगा 5 और 5 को डिवाइड 10 से कर देंगे तो माइनस का 0.5 जेड की वैल्यू आ गई जेड। ठीक है, अब उसके बाद जेड टू की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? दिया जाएगा एक्स टू की वैल्यू 40 माइनस, ये फॉर्मूला लिख देता हूं, एक्स टू माइनस मीन अपॉन एच डी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 40 माइनस मीन की वैल्यू है 20 अपॉन में एच डी की वैल्यू है 10। तो जेड टू की वैल्यू आ जाएगी 40 में से 20 गया 20 बटे में 2 करेंगे तो 0.2। ये स्टूडेंट मेरे पास जेड की वैल्यू आ गई है, इसका एरिया निकालने वाले हैं हम एरिया, और इसका भी एरिया निकालने वाले हैं, दोनों का एरिया निकालेंगे। तो याद रखना माइनस की कोई टेबल नहीं होती, माइनस कुछ होता भी नहीं है। एक्चुअली जो मैंने कहा पॉजिटिव शेड है वही तो नेगेटिव शेड है, तो एरिया कवर जो होगा वो तो सेम होगा, एरिया तो नेगेटिव नहीं होता है। तो जो वैल्यू आप पॉजिटिव में देख रहे थे वही नेगेटिव की भी देखनी है, यानी कि यहाँ 0.5 की वैल्यू आगे कुछ नहीं है तो जीरो माना जाएगा, 0.5 की वैल्यू जीरो में देखनी है। तो आप देखो कैसे देखेंगे इसे, इसे देखने का तरीका बहुत सिंपल है। ये आपके सामने है 0.5, देख सकते हो यहां से चले हम 0.5 और इसकी वैल्यू जीरो में देखेंगे तो क्या आएगा 0.1915। इसका एरिया 0.1915, इसका एरिया देख लेते 0.2 की वैल्यू आगे कुछ नहीं है तो जीरो माना जाएगा, तो 0.2 की वैल्यू जीरो में, तो ये आ गया 0.2 की वैल्यू जीरो में देखेंगे तो कितना आएगा 0.2 ही आएगा क्या? मेरे को गलत लग रहा है क्योंकि 40 में से 20 गया तो बचेगा 20 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आएगा 2। भाई गलत कर दिया हमने, पॉजिटिव का 2। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं तो अगर 15 करेंगे तो 15 20 में से 5 माइनस का 5 अपॉन में 10 ये आएगा 2। 0.2 नहीं है बेटा, ये 0.2 नहीं है, ये 2 है, यानी कि यहां आते हैं यहां आते हैं यहां 2.0। 2.0 की वैल्यू जीरो में देखेंगे तो कितना आएगा 0.4772। 0.4772 ये लिखा है पॉइंट, देखो दो के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, 0.0 कितने भी लगा सकता हूं, 2.0 की वैल्यू 0 है, तो दिखाते नहीं है लेकिन ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया। शेड कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चलो अभी हम इसको शेड करने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक सिमेट्रिक कर्व बना लिया है, ये बीच में एक लाइन खींच दी है जो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये थोड़ा सा 1 है, ये 2 है और ये 3, ऐसे ये 1 है माइनस का, ये माइनस 2 और ये माइनस 3, थोड़ा सा खराब सही चल रहा है। चलो पहले मैं जेड की वैल्यू देखूंगा, जेड की वैल्यू है माइनस 0.5। बेटा यहां तो होता नहीं है, राइट लेफ्ट में होगा, ये जेड की वैल्यू है माइनस 0.5 और बेटा जेड की वैल्यू है 2, 2 की वैल्यू यहां मिलेगी आपको तो जेड बराबर। तो एक तो आप यहां पर ऐसे करके इसे कवर कर देंगे, ये हो जाएगा डॉटेड में, और एक डॉटेड में आप ये लाइन खींचते
अब एरिया देखते हैं, पहले 0.5 का एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया का मतलब हो गया 0 से लेकर और 0 माइनस का 0.5 तक का एरिया, यानी कि ये पूरा एरिया कवर कर दिया, ठीक है, कर दिया कवर। फिर कहता है 2 की वैल्यू का एरिया क्या है, 0.47742, तो यहां से लेकर यहां तक का एरिया कवर करने को क्या है, 0 से जो स्टार्ट होता है, तो ये पूरा एरिया कवर। गौर से देखोगे ये और ये, इसके बीच का एरिया आपके सामने है, ये आंसर आ चुका है, इसमें कुछ भी नया नहीं करना है, आपको लिखना है द एरिया, एरिया बिटवीन x1 and x2 इज इक्वल टू ये एरिया 0.1915 प्लस का ये एरिया 0.4772। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसका आंसर ले लेंगे, क्या आ जाएगा 0.1915 प्लस का 0.4772, इतना आसान आ गया आंसर 0.6687। कई बच्चे इसे यहाँ दिखाएंगे जरूर, यहाँ पर लिख देते हैं कितना 0.1915 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.4772, तो टोटल एरिया आपके सामने। होप्स समझ में आ गए, इसका अगर मैं फिगर बनाता हूँ तो इसका फिगर बनेगा मेरे पास कुछ ऐसा, और इसका एरिया क्या था, इसका एरिया था ये एरिया और ये एरिया। इसकी फिगर बनाता हूं तो इसकी फिगर कैसी बनेगी हमारे पास, ये, और इसका एरिया कैसा बना था हमारा, ये एरिया और ये एरिया, ये वाला एरिया और ये, देख सकते हो सबकी फिगर अलग अलग बन रही। चलो इसे कैप्चर करो, लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आप कर पा रहे हैं। अभी एरिया निकालना सिखाया, बहुत सारी चीजें हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, बट आप प्रैक्टिस करते जाइए सब होता चला जाएगा। लास्ट को क्वेश्चन को देखते, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। पहले एरिया निकालना सिखाया जेड की फॉर्म में, फिर लेफ्ट वाला सिखाया कैसे, फिर बिटवीन में सिखाया, फिर एक्स आ गया, अब ये मेन क्वेश्चन आ गया। यहां से ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे भी बनते हैं, ऐसा भी आता है। एज्यूम द मीन हाइट ऑफ सोल्जर टू बी 68.22 इंचेस। कितना दे रखा है ये कि एज्यूम कर लेते हैं जो मीन हाइट है सोल्जर्स की वो 68.22 इंचेस है विद अ वेरिएंस ऑफ 10.8 इंचेस। याद रखना वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, और ये है आपके पास मीन हाइट, यानी आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है स्टूडेंट। यहां पर आपको सॉल्यूशन नंबर 5 की बात करता है, तो मीन आपको दे रखा है 68.22 और एसडी जो है, एसडी ये होता है रूट ऑफ वेरिएंस। याद रखना, अगर याद नहीं है फॉर्मूला, रूट ऑफ 10.8 तो एसडी की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। इसे भी मैं कैलकुलेटर से ही निकालूंगा, तो कैलकुलेटर में क्या है आपके पास 10.8 का रूट, तो ये मेरे पास आ गया है कितना, क्या आ गया है 3.286, यानी कि 3.286 पूरा एरिया है ना, 286। ये मेरे पास एसडी आ गया है, ये पर मेरे पास मीन आ गया है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ भी नहीं करना है, जो पूछ रहा है वो फाइंड करना है हाउ मेनी सोल्जर्स इन अ रेजिमेंट ऑफ 1000 वुड यू एक्सपेक्ट टू बी ओवर 6 feet टॉल। देखो यहाँ 1000 से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है 6 feet टॉल, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है 6 feet और आपको पता है ऊपर इंच में दे रखा है, ये इंच है ना, तो अगर ये इंच में दे रखा है, ये फीट में दे रखा है, तो पहले इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, 1 feet में 12 इंच होते हैं, याद रखिएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये इंच बन गया है ना, याद रखना ये, आप याद रखना कि 1 feet जो है, एक पूरा का पूरा जो स्केल होता है वो अगर बात करता हूँ बड़े वाले स्केल, तो 1 feet बराबर 12 इंच, ये याद रखना है कन्वर्जन, ठीक है। तो इसे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 72 inches, ठीक है, मेरे पास x भी आ गया, mean भी आ गया, sd भी आ गया, बड़ा सिंपल है। अब तो मेरे को z निकालना है,
स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, जेड बराबर एक्स माइनस मीन अपॉन में एच डी, एक्स की वैल्यू है 72, मीन की वैल्यू है 68.22 और एच डी की वैल्यू है 3.286। हम यहाँ लिखेंगे, इसे नीचे लिखेंगे, तो जेड की वैल्यू आएगी, इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 72 माइनस का 68.22, जो भी आंसर आया 3.78 आया, और उसे डिवाइड कर देंगे, मैं लिख देता हूँ 3.78 या 1.15 है। अब क्या करना है भाई हमें, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमें यहां पर इसका एरिया निकालना है, एरिया 1.15 का एरिया, तो कैसे निकलेगा 1.15 का एरिया, उसके लिए हम फिर से टेबल के पास जाएंगे, टेबल है नॉर्मल कर्व की 1.15, उसके बाद था वो 1.1 ये रहा, यहां से आए 1.1 और 5 0 1 2 3 4 5, देखो ऊपर 5, तो 1.1 में 5 वाली लाइन में जाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3.749 में 0.3749, समझ में आ गया, 1.1 में 5 तक जाएंगे तो 3.74। अब यहां समझना है, यहां लिखा है ओवर सिक्स फीट है ना, यहां पर आपको कहा गया है जेड की वैल्यू, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो x बराबर 6 फीट नहीं है, 6 फीट से बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 6 फीट, आप ऐसे लिख लोगे ज्यादा अच्छे से करेक्ट है, ठीक है, तो जेड की वैल्यू या x की वैल्यू ये आ गई, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, ओवर 6 फीट है ना, x की फॉर्म में ये होता है, जेड की फॉर्म में, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, एरिया बना लेंगे इसका, ये इसका एरिया सही से नहीं बनाए तो ये सही से बना, ठीक। अब क्या करने वाले हैं, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1, ये है -2, ये है जेड के स्केल में दे दिया। अब यहां पर जेड की वैल्यू दे रखी है 1.15, तो 1.15 1 और 2 के कहीं ना कहीं यहां पर आएगा ना, इस तरफ आएगा, ये आप इस तरीके से इसे शेड कर दीजिए, पहले लाइन खींच दीजिए। अब यहां क्या बोला है याद रखिएगा, यहां बोला है ओवर 6 फीट टॉल, ओवर मतलब कि 6 फीट, ये जेड की वैल्यू है आपके सामने 1.15, इससे बड़ी वैल्यू तो इधर मिलेगी, 1.15 से बड़े 2 है 3 है, ओवर मतलब एरिया ये कवर होगा, ये वाला एरिया कवर होगा। अब ये एरिया जो कवर होगा ये आएगा कैसे, तो देखिए जरा सोचिए, जो 1.15 है जिसका एरिया ये आया है, ये एरिया आया कहां से, 0 से लेकर और 1.15 तक, ये पूरा एरिया जो है ये वाला एरिया है 0.3749, लेकिन हमें निकालना तो ये है, तो टोटल एरिया यहां से लेकर यहां तक होता है 0.5, टोटल एरिया, ये वैल्यू जेड की वैल्यू कहते हैं, तो टोटल में से अगर मैंने ये हिस्सा माइनस कर दिया, ये वाला हिस्सा जो शेड नहीं है, तो आएगा क्या आंसर, आएगा जो शेड वाला एरिया है, तो आप लिखेंगे कि एरिया ओवर 1.15 इज 0.5, यहां से यहां तक पूरा एरिया माइनस, और ये हिस्से का एरिया जो अभी हमने देखा था 0.3749, तो इसे घटा देंगे आप सीधा सीधा, आंसर आएगा 0.5 माइनस का 0.3749 और आंसर आ गया 0.1251, दिस इज द एरिया, ये आपका एरिया। अब आपसे कह रहा है कि 6 फीट से ऊपर कोई सोल्जर्स होंगे, 1000 में से ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी है 1000 में से कितने सोल्जर्स 6 फीट से ऊपर होंगे, 1000 सोल्जर्स का अगर मैंने एग्जांपल लिया तो लिखेंगे एक्सपेक्टेड, यहां पर एक्सपेक्टेड सोल्जर्स ही लिखा है, एक्सपेक्टेड सोल्जर्स ओवर 6 फीट, 1000 में से, 1000 संख्या है,
इसमें से ये प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई करा देंगे यानी कि 0.1251 तो आंसर आएगा 125.1। और क्योंकि किसी भी पर्सन की संख्या पॉइंट्स में नहीं हो सकती तो राउंड ऑफ करेंगे तो लगभग 125 सोल्जर्स होंगे जो 6 फीट की हाइट से ऊपर होंगे। यानी कि एवरेज हाइट तो 68.26 इंच है लेकिन 1000 में से एक्सपेक्टेड है कि जो 6 फीट यानी कि 72 इंच से ऊपर ऐसे कितने सोल्जर्स होंगे 125। तो स्टूडेंट्स ये बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने लिख दिया है, आप इसे पहले कैप्चर कर लीजिए। उसके बाद आप ये समझिएगा कि ये कैसे एरिया निकाला है। वन बाय वन मैंने एक एक करके अगर इसका एरिया निकालूंगा तो इसका एरिया भी ऐसे ही बनेगा जैसे कि ये है आपके पास, इसका एरिया का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा लास्ट में इधर शेयर होता हो। यानी कि देखो मैंने हर क्वेश्चन अलग अलग लिया है, एक में एरिया ग्राफ शेयर किया है जीरो से लेकर, एक में एरिया लेफ्ट पूरा का पूरा, एक में बीच का हिस्सा शेयर किया, एक में दोनों पार्ट कंबाइन करके, एक में लास्ट वाला हिस्सा। तो लगभग मैंने सारे एक एक क्वेश्चन टाइप के बनाए हैं। अब अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से सीखना है तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं ये कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां से एक्सरसाइज डाउनलोड कर लीजिए जो कि पीडीएफ की फॉर्म में होगी। आप एक्सरसाइज डाउनलोड करेंगे उसमें ये क्वेश्चंस तो होंगे, उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस होंगे, उनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होंगे, वीडियो सॉल्यूशंस भी मैं अवेलेबल कराऊंगा आपको और इमेज सॉल्यूशन भी अवेलेबल कराऊंगा आपके लिए। हर फैसिलिटी मैंने दी है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करूंगा मैं ताकि आपको ज्यादा इजी तरीके से चीजें समझा पाऊं। ऐसा नहीं है मैं एकदम से वीडियो बना के नहीं उसे फिनिश करने वाला, लेकिन आपका एक ही काम होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो होप से स्टूडेंट्स आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया, अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।